ना कहीं मंच पे गजेंद्र सिंह जी ने सबने प्यार मोहब्बत दी, कैसा लग रहा था? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार में शामिल होने के बाद अगर परिवार से कोई व्यक्ति बिछड़ जाता है और जब परिवार में शामिल होता है तो उसकी खुशी का अपार भंडार होता है और उसकी कोई सीमा ही नहीं होती है। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे पे इतना आशीर्वाद दिया और आगे भी मुझे इस तरह का आशीर्वाद देते रहेंगे। धन्यवाद। भजन लाल जी ने कहा उनकी ताकत अब कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है, इसमें कोई दोराय नहीं है। भजन लाल जी 100% सांगानेर से चुनाव जीतेंगे और इसमें कोई नहीं है। हमारे सारे कार्यकर्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ डॉक्टर साहब भी होंगे, यहाँ सारे बहुत सारे लोग यहाँ आए और पूरी शक्ति के साथ हम लोग लग रहे हैं। सांगानेर 100% जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भाजपा ने सबको बहुत मोहब्बत दी और सारे लोग आ जा गए हैं और अनिल जी भी आ जाओ। कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लग रहा है सब, और अब पहले भी भाजपा में था, अभी भाजपा में, भाजपा में लगा था। किस तरह से सर टीम के साथ विष्णु जी के वापस आने से और भाजपा का कद और ज्यादा बढ़ा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सांगानेर में तो मजबूत होगी, पूरे जयपुर शहर में मजबूत होगी। विष्णु जी का बहुत अच्छा प्रभाव है क्षेत्र के अंदर, इसीलिए पार्टी के अंदर आने से नई जान आ गई है सब सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में, इसमें कोई दोहराय नहीं है। इन्होंने एज ए मेयर भी बहुत अच्छा काम किया था, उसका भी फायदा हमारे को मिलेगा। बीजेपी जीत सुनिश्चित है, लता जी के आने से करीब 80,000 से जीत होगी इस विधानसभा क्षेत्र में। सांगानेरी नहीं, बगरू, बगरू के अंदर भी बीजेपी मजबूत होगी विष्णु लाटा जी के आने से। सांगानेर में भी 100% वो लीड ले रही है। सांगानेर, बगरू, 80,000 वोट, यही सब कहीं ना कहीं बातें आ रही है। जब विष्णु लाटा सांगानेर में आ रहे हैं, तमाम सारे लोगों में खुशी की लहर जबरदस्त तरीके से देखी जा रही है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए।